हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम बात करने वाले एक ऐसी बुक के बारे में जो हमें सिखाती है कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस से कैसे हम हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ऑथर ने यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड के बारे में भी बात की है। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में ऑथर ने यहाँ पे बात की है। मेन बात यह है इस बुक की कि ये बुक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, जिसे कोई भी इसे आसानी से पढ़ सकता है। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Thoughts become things. Transform your life through spiritual, scientific and practical approach. How this book can magically transform your life? Friends, all the human beings, animals, creatures on this planet are connected to one thing and that is energy. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी gender क्या है, caste क्या है, color क्या है. We are all connected to that one energy. Friends, do you know why some people are very rich and some are very broke, miserable and poor? Why some people are very healthy and some suffer from poor health and illness? Why some people are successful and confident and some are struggling? ये सब क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं, इसके रीजन क्या हमारे पास है? आंसर है हाँ। लेट्स सी। फर्स्ट, अवर कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। फ्रेंड्स, दिमाग एक बहुत ही पावरफुल एंड अद्भुत गिफ्ट है एंड ये गिफ्ट हमेशा हमारे साथ ही रहता है। एज पर बुक, हमारे दिमाग में 5% कंट्रीब्यूशन कॉन्शियस माइंड का होता है, 70% कंट्रीब्यूशन सबकॉन्शियस माइंड का होता है एंड 25% कंट्रीब्यूशन एक अनकॉन्शियस माइंड का होता है, जो भी एक पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड का। नाउ व्हाट इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड? सी, अगर आप कुछ सोच रहे हो अपने दिमाग में तो वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। अगर आप वही चीज़ बार बार अपने डे टू डे लाइफ में सोच रहे हो तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है एंड इसका रिजल्ट ये आता है कि जाने अनजाने हम वो चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। चाहे वो चीज़ या विचार अच्छा हो या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है, विच इज़ ऑल्सो सिमिलर टू लॉ ऑफ ग्रेविटी। एग्जाम्पल, अगर हम जंप करते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी डजंट अंडरस्टैंड कि हम सही है या गलत, उसका काम है हमें नीचे खींचना। सेम चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी होती है, उसे नहीं पता कि हमारा विचार सही है या गलत, उसका काम है उस विचार को अमल में लाना। अगर हम पॉजिटिव एंड अच्छा सोचेंगे तो रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा एंड अगर हम नेगेटिव या बुरा सोचेंगे, रिजल्ट भी उसके मुताबिक ही हमें मिलेगा। सो अब वो हम पे डिपेंड है कि हमें कैसे सोचना है। सेकेंड, हाउ थॉट्स बिकम थिंग्स। ऑथर बोलते हैं कि जैसी हमारी फीलिंग्स होंगी वैसे ही हमारे थॉट्स होंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली ही हमें रिजल्ट भी मिलेंगे। अगर हम फियर, गुस्सा, टेंशन फील करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट हमारे बिहेवियर, हमारी हेल्थ एंड हमारी बॉडी पर दिखेंगे। और अगर हम हैप्पीनेस, ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस, लव फील करते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंगली ही हमें रिजल्ट भी मिलेंगे, जो गुड बिहेवियर, गुड हेल्थ एंड गुड फिटनेस होंगे। एग्जाम्पल, दो इंसान हैं। एक इंसान मनी के बारे में हर पल सोचता ही रहता है कि मेरे पास इनफ मनी नहीं है और पैसे मैं कहाँ से जमा करूँ, ये मनी भी वेस्ट हो गए तो क्या होगा। ऐसे इंसान हमेशा टेंशन, चिंता और गुस्से में ही रहेगा क्योंकि उसकी फीलिंग ही ऐसी है। दूसरी तरफ एक इंसान है जिसको पैसे से लेना देना है पर उतना नहीं, वो मनी को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगा, वो उसे सिर्फ एक पार्ट ऑफ लाइफ ही समझेगा। सी, कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो 10,000 महीने कमा के भी खुश होते हैं एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जो 1,00,000 महीने कमा कर भी दुखी होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ इज अवर फीलिंग्स, बिकॉज हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो पैसे तो कैसे भी कमा ही लेंगे। थर्ड इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आई वॉज नॉट डू मेडिटेशन, बट सिंस लास्ट 3-4 मंथ्स आई स्टार्टेड दिस एंड नाउ दिस इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। इसका रिजल्ट ये आया कि मैंने क्या गेन किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने गुस्सा, टेंशन, फियर, एनिक्सिटी ये सब लूज किया। अगर हमें अपने आप को जानना है ना तो यही चीज़ हेल्प करती है, ध्यान। ऑथर बोलते हैं कि मानव दिमाग उसके जन्म से 7 साल तक थेटा स्टेट में होता है। ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें हम कल्पना को ही रियलिटी मानते हैं। लाइक अगर कोई चाइल्ड गार्डन में खिलौने से खेल रहा है, अगर वो खिलौना कार है तो यही समझेगा कि मैं कार चला रहा हूँ एंड अगर वो खिलौना हॉर्स है तो
तो यही समझेगा कि मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ। जिसे हम अभी सिर्फ एक कल्पना समझ रहे हैं, वो बच्चे के लिए एक रियलिटी है। मेडिटेशन हमें यही चीज़ में हेल्प करता है, वो हमारे मेंटल ब्लॉक को खोलता है, जिसे हम कल्पना को रियलिटी बनाने में हेल्प कर सकते हैं। ऑथर ने यहाँ पे कुछ हैबिट्स के बारे में बात की है जो हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, लाइक वेकअप इन ब्रह्म मुहूर्ता, वर्कआउट एवरी डे, ओवर ईटिंग एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन है कि एक बार तो ज़रूर ये बुक आप पढ़िए, आप कुछ ना कुछ तो गेन ज़रूर करेंगे, आई प्रोमिस यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से लाता रहूँगा। ये बुक आप ऑनलाइन भी रीड कर सकते हो अमेज़ॉन किंडल में से, जैसे मैंने की थी। मैंने डिस्क्रिप्शन में बुक की लिंक दी है, आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो और रीड कर सकते हो। हैप्पी रीडिंग फ्रेंड्स।